चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा दसवीं के लिए जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उससे सूरदास के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पदों की व्याख्या। सबसे पहले जो पहला पद है उसके जो कठिन शब्द हैं उनके मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूं ताकि हमको उसकी व्याख्या समझने में जो है वो सुविधा होगी। इसमें शब्द आया है बड़भागी। बड़भागी यानी जिसका भाग्य बड़ा हो, जो सौभाग्यशाली हो, तो उसको कहते हैं बड़भागी। अपरस, रस जिसमें ना हो, नीरस, अपरस का तात्पर्य हुआ रसहीन, तो ये हो गया। अलिप्त जो किसी में डूब ना पाए। दोजक, दोजक का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि अनुरागी यानी जो प्रेम का भाव जिसके अंदर हो। और पुरीन पात कमल के पत्ते को कहते हैं। नदी में जो पानी में कमल खिलता है तालाब में, उसके पत्ते को पुरीन कहते हैं। दागी यानी दाग, परागी यानी मुग्ध होना। गुर चाटी जो पागी का तात्पर्य है, जैसे गुड़ से चीटी चिपकी रहती है वैसे ही कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त, ये उसका तात्पर्य है। तो ये उसका शब्दार्थ हो गया। और अब हम आते हैं इसके संदर्भ पर। तो संदर्भ इस तरह है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इसके रचनाकार सगुण धारा के प्रधान कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग ये है कि ये जो चारों पद हैं हमारे पाठ्यक्रम के, ये उनके भ्रमर गीत सार जो है, उनका भ्रमर गीत नाम का जो काव्य है उसमें से ये चार पद लिए गए हैं। तो कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को ये समझाने के लिए मथुरा से गोकुल आए हुए हैं कि उन्हें कृष्ण के प्रति अपने मन में जो प्रेम भावना है उसको निकाल देना चाहिए, उसकी बजाय उन्हें ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो उद्धव और गोपियों के बीच में इस बात को लेकर के जो विचार विमर्श हुआ है, जो तर्क वितर्क हुए हैं, उनमें से चार पद हम अपनी पाठ्यक्रम में समझने जा रहे हैं। तो ये हुआ इसका प्रसंग। और अब हम शुरू करते हैं सूरदास के पहले पद की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यवान व्यक्ति हो। व्यंग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई तुम अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, लेकिन साथ में रहने पर भी आपके मन में उनके साथ प्रेम करने की भावना उत्पन्न नहीं हुई, उनके प्रेम में आप नहीं पड़े, आप कितने भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से वो उनके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। फिर आगे कहती हैं कि पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आपकी स्थिति तो वैसे ही है जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, कमल की जड़ पानी के अंदर रहती है और उसके पत्ते और फूल जल के ऊपर रहते हैं, परंतु पानी में रहकर के भी पानी का कोई दाग, किसी तरह का कोई उसके ऊपर एक आक्षेप नहीं आ पाता, पानी में रह के भी पानी से बाहर रहता है। आप भी कृष्ण के साथ रहकर के भी कृष्ण के प्रेम से
वंचित हैं, दूर हैं, अपने को बचाए हुए हैं, ये तो बड़े भाग्य की बात है। फिर आगे कहती हैं कि आपकी स्थिति ऐसी है कि जैसे हम किसी गागर में चारों ओर तेल लगा दें और फिर उसको पानी में डुबाएं, तो पानी में डुबा करके जब उसको निकालें तो उसके बाहर की परत पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, क्योंकि तेल लगा हुआ था। तो आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिस ऐसी गागर हैं, आपकी तुलना है उस गागर से की जा सकती है जिसके चारों तरफ तेल लगा हो और पानी में डूब करके भी जो पानी से भीगे नहीं, कृष्ण के निकट रह करके भी उनके प्रेम से जो अपने आप को पूरित न कर पाए, ऐसे व्यक्ति हैं आप, बड़े भाग्यवान हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि प्रीत नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आप कितने अच्छे आदमी हैं कि आपके सामने प्रेम की नदी बह रही है और आपने अपने पैर तक उसमें नहीं डुबाए, पांव तक को गीला नहीं किया, पूरे शरीर को गीला करने की तो बात ही छोड़िए, और आपकी दृष्टि में कभी प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। गोपियां उद्धव के ऊपर कटाक्ष करते हुए अंत में इस पद के कहती हैं कि हम तो बड़े अबला स्त्रियां हैं, भोली भाली हैं, बिना पढ़ी लिखी अशिक्षित गांव की गोपियां हैं, लेकिन हमें और कुछ बात समझ में नहीं आती, कोई ज्ञान हमको नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, पर हमारी हालत तो उस चींटी के समान है जो गुड़ में चिपकी रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती, प्राण भी उसको तजना पड़ जाएं तब भी वह गुड़ नहीं छोड़ती। हम भी कृष्ण के प्रेम में इसी तरह से लिप्त हो चुके हैं कि अब प्राण भी भले ही चले जाएं पर अब हम कृष्ण के प्रेम से बाहर नहीं हो सकते। तो ये थी पहले पद की व्याख्या। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, इसका पहला बिंदु है कि ब्रजभाषा में इस पद की रचना हुई है। इस पद में गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कविताएं भी लिखी जाती हैं, पद्य ऐसा भी लिखा जाता है जिसे गाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें गेयता का गुण नहीं होता, इसमें है। तीसरा, इसकी विशेषता है कि इसमें व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है। और चौथा है, इसमें कई अलंकार हैं, जैसे जो जल माह तेल की गागरी बूंदन ताक को लागी, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि गागर के साथ तुलना की जा रही है। फिर एक उदाहरण रूपक अलंकार का भी है, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, प्रीति को नदी बना दिया गया है, उपमेय को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। और उपमा अलंकार का एक और जगह प्रयोग हुआ है जहां गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी, जिस तरह चीटियां जो हैं गुड़ में लगी रहती हैं उससे तुलना की गई है। और अब इस पद का भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य उन विचार पक्ष से संबंधित होता है। तो हम ये देखते हैं कि इस पद में ऐसे कौन से बिंदु आए हैं जो कवि की विचारधारा को प्रकट करते हैं। तो इसका सबसे पहला पद तो बिंदु तो यही है कि वे गोपियां कृष्ण के सगुण रूप से प्रेम करती हैं, वे निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं है, उद्धव की बात मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए वो तर्क वितर्क करके कटाक्ष करके उद्धव को उनके मत का जो है खंडन करती है। अब जो है हम दूसरे पद की व्याख्या पर चलते हैं, सूरदास का दूसरा पद अब हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले इसके कठिन शब्दों के मायने भी देखेंगे। इसमें एक शब्द आया है मांझ, मांझ यानी बीच में, मध्य में, अवधि यानी समय, आधार का शुद्ध रूप है आधार, और आस यानी आशा, आवन यानी आगमन, विथा यानी व्यथा, सही यानी सहन की, बिरहन यानी विरहिणी,
विरह दही यानी वियोग की आग में जली, खुती यानी थी, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, और धार यानी योग की प्रबल धारा। धीर का तात्पर्य है धीरज और मर्यादा का मर्यादा, लही यानी रही। संदर्भ प्रसंग तो पहले की तरह ही रहेगा, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। दूसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, वह पूरी नहीं हो सकी। हम अपने मन की दशा को, अपनी हालत को किससे जाकर के कहें, हमसे कहते हुए भी नहीं बनता। अभी तक हमारे मन में ऐसी आशा बंधी हुई थी कि कृष्ण एक दिन हमारे पास अवश्य आएंगे। वो अवधि कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर ये आशा बनी रहे कि हमसे मिलने के लिए कृष्ण आएंगे एक न एक दिन, तो जीवन बना रहता है। पर आपने आकर के जो बातें कही हैं, इसने वह आशा भी हमारी अब तोड़ दी। फिर गोपियां आगे कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। आप आए भी तो आप हमसे क्या बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण के प्रति जो मन में प्रेम भावना है उसको निकाल दो और ब्रह्म की उपासना करो, योग करो, तपस्या करो। ऐसा कहकर के आप हम विरहिणी गोपियों के अंदर जो अग्नि जल रही है वियोग की, उसमें आपने उसको और दहका दिया और ज्यादा हमें जलने पर मजबूर कर दिया। फिर आगे कहती हैं कि हम आप से जो कृष्ण से हम चाहते थे कि हमारी जो करुणा की पुकार है, हमारे अंदर की जो पीड़ा है, उसका हमको जो कृष्ण की ओर से शीतलता प्राप्त होगी, उसका मरहम मिलेगा, उसका इलाज मिलेगा, उपचार होगा, उल्टे वहां से योग की तपस्या की प्रबल धारा ही बह करके आ रही है जो हमको और डुबाई डाल रही है, तो हमारा लाभ तो हुआ नहीं, नुकसान हो जा रहा है। और आखिरी पंक्ति में वे कहती हैं कि हमने अब तक तो धैर्य रखा, धीरज बनाए रखा, लेकिन धीरज की भी एक सीमा होती है और ऐसा लगता है कि उसकी अब वह सीमा समाप्त हो गई है, उसकी मर्यादा खत्म हो गई है। इस तरह ये दूसरा पद पूरा हुआ और अब हम इसके काव्य सौंदर्य के जो बिंदु हैं उनको देखेंगे। इसमें एक है मन की, मन ही मांझ रही, यहाँ अनुप्रास अलंकार है क्योंकि माँ वर्ण जो है वो एक से अधिक बार प्रयोग में आया है। दूसरा है अवधि आधार आस आवन की, इसमें भी उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार है क्योंकि आवर्ण कई बार निरंतर आया है। फिर एक बिंदु है कि अब इन जोग सदेशन सुन सुनी, इसमें भी अनुप्रास है। बिरहन बिरह दही में रूपक अलंकार है क्योंकि विरह को आग बना दिया गया है। और जहां चाहत हती गुहार जितहिते उतते धार बही, इसमें विरोधावास अलंकार है कि जहां से हम आशा कर रहे थे इलाज की, अपनी रक्षा की, बचाव की, वहीं से योग की प्रबल धारा बही और उसने हमको डुबा दिया। और इसका जो भाव सौंदर्य है वो हम देखते हैं कि ये वही भावना है इसके पीछे भी कि गोपियां कृष्ण के प्रति जो उनका अटूट प्रेम है उसके कारण वे उनसे न मिल पाने के कारण दुखी रहती हैं। और अब हम तीसरे पद की व्याख्या की ओर अपने यात्रा को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द प्रयोग में आए हैं उनके हम शब्दार्थ को जान लें। इसमें हारिल शब्द आया है, ये असल में एक हरियल नाम के पक्षी को हारिल कहते हैं। लकड़ी यानी लकड़ी और दृढ़ यानी मजबूती से,
निसी यानी रात, जकरी यानी जक लगाए रहना, रटते रहना, बार बार एक ही बात करना, करुई यानी कड़वी, और ककड़ी यानी ककड़ी यानी ककड़ी। तो व्याधि यानी रोग होता है, और मन चक्री यानी जिनका मन अस्थिर हो। संदर्भ प्रसंग जो है वो पहले की तरह ही रहेगा, इसलिए इसमें हमको कोई नई बात संदर्भ प्रसंग में नहीं कहनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरे पद की व्याख्या। इसमें उद्धव से गोपियां कह रही हैं आगे कि देखो उद्धव जी, कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वह अपने पंजों में बड़ी मजबूती के साथ पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं। असल में यह एक मिथक है, इसे समझ लीजिए। हरियल पक्षी किसी लकड़ी को अपने पैरों, हाथों में, पंजों में जकड़कर सदैव सदैव नहीं रखे रहता, लेकिन उसके बारे में एक लोक धारणा है, ऐसा विश्वास है, जन विश्वास है, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं भी है, कि वह अपने पास हमेशा एक लकड़ी को पंजों में दबाए रखता है और उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो इसी उदाहरण से गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हम भी उन्हें हृदय रूपी हाथों से जकड़े हुए हैं और हम उसको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने मन से, वचन से, कर्म से, सभी तरह से कृष्ण को गह रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ लिया है, अब उन्हें हम मुक्त नहीं कर सकते। हमारे लिए तो जागते, सोते और सपने में भी, चाहे दिन हो या रात हो, बस एक ही रट हमारे अंदर लगी रहती है और वो है कान कान, कृष्ण कृष्ण, यही आवाजें हमारे हृदय के अंदर से फूटती रहती हैं। और जब आप हमसे कहते हैं योग करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, तब आपकी ये बात सुन करके हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो और जिह्वा का सारा स्वाद बिगड़ गया हो, अंदर तक, भीतर तक, शरीर के अंदर तक उसके कड़वेपन का दुष्प्रभाव पहुंच गया हो। और आप, हे उद्धव, हमारे लिए ये योग नाम की जो नई बीमारी ले आए हैं, हमने तो इसको पहले कभी देखा नहीं, इसके बारे में सुना नहीं, तो ये कौन सी नई बीमारी आप लेकर आ गए हो? इसको आप अपने ही पास रखो, हम इस बीमारी की चपेट में आने वाले नहीं हैं। वे एक सलाह भी देती हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव, आप ऐसा करिए कि जो आप योग की हम लोगों को शिक्षा देने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, ये हमें ना दीजिए, ये उनको दीजिए जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, जिनके अंदर चंचलता का भाव है, उन्हें आप योग साधना सिखाइए, उनके लिए ये उपयोगी होगा। तो ये थी तीसरे पद की व्याख्या, और अब हम करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में वही बात है कि ये ब्रजभाषा का पद है, गेयता का इसमें गुण है, व्यंगात्मक शैली इस तीसरे पद में भी है, और रूपक अलंकार के तौर पर जो पंक्ति यहाँ आई है वो है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर कृष्ण को हारिल की लकड़ी बना दिया गया है, तो रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार है कान कान जकरी, कान कान शब्द दो बार आया है, रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, तो पुनरुक्ति अलंकार है। और उपमा अलंकार वाली पंक्ति है ज्यों करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी हो, तो यहां पर उपमा अलंकार है। भाव पक्ष जो इसका है वो ये है कि गोपियों ने अपनी एकनिष्ठ प्रेम और भक्ति को इस पद में अभिव्यक्त किया है कि किसी भी तरह से, किसी भी तर्क से वे इस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए
अब हम चौथा और अंतिम पद जो सूरदास जी का है उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। इसमें एक शब्द आया मधुकर। मधुकर का अर्थ तो होता है भौरा नाम का एक कीट जो काले रंग का होता है, पर यहां पर मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। पठाए का अर्थ होता है भेजना, परहित यानी दूसरों के लाभ के लिए, डोलत आए यानी घूमते फिरते चले आए, फेर यानी फिर से, अनीति का तात्पर्य है न्याय, और आपुन यानी स्वयं ही। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा और यहां पर हम अब सीधे पहुंचते हैं व्याख्या पर। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए कृष्ण ने आपसे कहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है उज्जैनी नगरी में सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, ये हमने सुना था। पर हमें ऐसा लगता है कि वे वहां शास्त्रों की शिक्षा लेकर नहीं आए, वहां से राजनीति सीख कर आ गए और राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, ये कटाक्ष कर रही हैं गोपियां। और वो कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, आपने सब बातें बहुत समझाकर हमसे कही हैं और हमने सब समाचार प्राप्त कर लिए कृष्ण के बारे में, लेकिन ये जरूर कहेंगे हम कि कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर थे, कोई साधारण वे किशोर बालक और युवा नहीं थे, बड़ी चतुराई उनमें थी, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, अब और चतुर बन गए हैं और बड़ा ज्ञान आ गया है उनमें, और हमको योग साधना सिखाने का उन्होंने संदेशा आपके हाथों भेजा है। उनकी बुद्धि लगता है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने योग करने का संदेशा आपके हाथ भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भले होते थे और वो किसी के लिए भी, उनका हित करने के लिए वो कभी पीछे हटते नहीं थे। आप भी बड़े भले हैं, आप भी हमारा फायदा करने के लिए, हमारा हित करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए उतने दूर से चलते फिरते भटकते हुए यहां आए हैं, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम अपने मन को फिर से जो हमने कृष्ण को सौंप दिया था उसे वापस पाएंगे, जिसे कृष्ण ने चलते हुए यहां से जाते हुए हमसे चुरा लिया था, ऐसा आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि शायद वो जो मन चला गया है वो लौटकर हमें मिल जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग सबको नीति सिखाने के काम करते हैं, कृष्ण नीति की बात करते हैं, वो खुद अपनी ओर से अनीति का काम क्यों करते हैं। हमने तो यही सुना है कि देखिए एक राजधर्म होता है, कृष्ण राजा बन गए हैं सुना है हमने, तो उन्हें राजधर्म का निर्वाह भी करना चाहिए। और राजधर्म यह है कि किसी भी राजा की प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट न होने पाए, ये जिम्मेदारी राजा की होती है।